आज हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे वो ट्यूटोरियल का। मशीन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले देखिए, ये मशीन तो चालू किया, वैक्यूम दिया, इधर आइए, ये देखिए पेपर ठीक से पकड़ नहीं रहा है। वो यहाँ का जो बीट की तरह होते हैं, इस बीट में पेपर यहाँ तक नहीं आ रहा है, थोड़ा गैप रह जाता है। तो पेपर सीधा ही है, अगर सीधा टेढ़ा होता, इधर ज़्यादा इधर कम या इधर ज़्यादा इधर कम होता, तो हम लोग ये जो डिलीवरी हुई है इसका जो नाट है, इस नाट से एडजस्ट कर सकते थे लूज टाइट करके। तो ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका प्रॉब्लम आएगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ये प्रॉब्लम है थोड़ा डिलीवरी प्लेट का। हमारा जो सिलेंडर होता है, ये वाला सिलेंडर, इसके यहाँ पे एक प्लेट होता है इस साइड में, वो प्लेट तीन नाट से लगा हुआ होता है। यहाँ पे आप नाट देख पा रहा है कि नहीं पता नहीं, ये वाला नाट है, यहाँ पे एक नाट है। तो उस नाट तीनों को लूज करके इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा डिलीवरी आगे करने के लिए। तो आज वही करेंगे। और वीडियो करने के लिए ये प्लेट दिख रहा है, अब ये वाला प्लेट, हाँ जो प्लेट दिख रहा है ये वाला प्लेट। और वीडियो करने के लिए आज मेरा बेटी मेरे साथ है, वो करेगी मुझे हेल्प। ये हाय कर मुझसे बोल। हाय। अच्छा तो ठीक है, तू पकड़, वीडियो करते रहे, उंगली कैमरे के सामने ना मत आए। लेंस किधर गया? तो फिर से एक बार देख लेते हैं मशीन ऑन करके। वैक्यूम ऑन कर दिया, एक पेपर लाते हैं, ये वाला, ये एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, ये बीट तक पेपर नहीं आ रहा है, पेपर सब सीधा ही धर रहा है, पकड़ रहा है सेम सेम, लेकिन पेपर को थोड़ा डिलीवरी थोड़ा इधर करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, इसलिए एकदम वही किनारे लालता। तो हम पकड़, तो हम डिलीवरी आगे करते हैं। पहले थोड़ा करके देखते हैं, ये एक नट को लूज किया, ये दूसरे वाला को भी थोड़ा लूज किया, ये तीसरे वाला को भी थोड़ा लूज किया। उसके बाद वो एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा, ऐसा थोड़ा पीछे से कर, इससे थोड़ा सा आगे करना है। ये वाला, ये नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला आगे आएगा तो डिलीवरी भी आगे आएगा, नीचे वाला पीछे जाएगा तो डिलीवरी भी पीछे हो जाएगा। इसलिए जितना छोटा सा जितना गैप था उतना ही घुमाना है। तो हम
इधर घुमाएंगे, नीचे वाला इधर आएगा, ऊपर वाला उधर जाएगा, तो डिलीवरी आगे चला आएगा। थोड़ा सा हुआ है, देखते हैं, एक मिनट टाइम देके मशीन चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आगे हुआ। एक मिनट को टाइम दे दिया, उसके बाद चला के देखते हैं। चखना पड़ेगा, लूज नहीं हुआ सब ठीक तरह से, ये वाला लूज कर दिया, ये वाला भी लूज कर दिया, ये वाला भी थोड़ा लूज कर दिया, लूज करके डिलीवरी को थोड़ा आगे करना है। डायरेक्शन में घूम गया था, टाइट कर दिया इतना, फिर चला के देखते हैं थोड़ा कितना हुआ। ये थोड़ा थोड़ा करके ही कीजिएगा, एक बार में नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखते हैं कितना हुआ।
अंदर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइट थोड़ा कम है। ग्रिपर तक पेपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है और आगे करना पड़ेगा। ठीक है, अकेले अकेले घूम रहा था। और ज़्यादा लूज मत कीजिएगा, और मेरा थोड़ा लूज ज़्यादा हो गया था, इसलिए प्लेट खुद ही घूम रहा था नीचे की तरफ। ठीक है, अब चला के देखते हैं। प्लेट खुद ही नीचे की तरफ घूम गया था, धीरे धीरे करके पहले के पेस में चला आया। तो ठीक है, आप थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। कर देते हैं, थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। अब आप लोग ज़्यादा लूज मत कीजिएगा, तो लूज करने से यही प्रॉब्लम होता है। लूज ज़्यादा कर देंगे तो खुद ही प्लेट घूम जाएगा इधर उधर, फिर एडजस्ट करने के लिए दिक्कत होगा, इसलिए ज़्यादा नट को लूज मत कीजिएगा। घूम गया। ठीक है, खुद ही घूम रहा है। तीनों नाटी थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर लेते हैं, ज़्यादा लूज हो गया। अब देखते हैं, खिसकना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा आगे देखते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके ये इसको थोड़ा लूज कर दिया, इसको थोड़ा लूज कर दिया और इसको भी थोड़ा लूज कर दिया करके थोड़ा सा आगे की तरफ घुमा देते हैं। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपका इसका पहली बार कर रहे हैं तो पहले ही ज़्यादा लूज मत कीजिएगा। अगर मेरे जैसा खुद ही प्लेट घूम जाएगा तो फिर से पहले के जमाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा मत लूज कीजिएगा। देखते हैं पेपर का सेटिंग, देखिए आप चला आया, ये भी यहाँ तक चला आया, ये भी यहाँ तक चला आया, लेकिन देखिए एकदम एक्यूरेट आ गया, यहाँ तक भी चला आया, यहाँ तक भी चला आया। तो ऐसे ही सेट करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है, लास्ट टाइम थोड़ा लगा है। ओ और एक बात, यहाँ पे क्रीज आ रहा है, देखिए थोड़ा सा क्रीज आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रीज, ये वाला क्रीज आ रहा है, थोड़ा एक क्रीज आ रहा है तो समझिएगा कि पेपर ज़्यादा आगे चला आया, ज़्यादा चला आ गया, चला आएगा तो फ्रीज आएगा। मेरा खूब ज़्यादा आगे नहीं आया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, इसलिए कभी कभी किसी में फ्रीज आ रहा है तो थोड़ा सा बहुत कम पीछे रहना भी पड़ेगा। इस थोड़ा सा लूज, इसको भी ज़्यादा लूज करेंगे तो प्लेट को घुमाने में आसानी होगा, लेकिन इधर उधर हो जाए और डिसबैलेंस हो जाए तो मुश्किल आ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, करिए कीजिएगा। और ये स्क्रू ड्राइवर से ही थोड़ा सा नीचे कीजिए, प्रेशर दे के नीचे लगेगा। लगता है अब एक्यूरेट होगा, इसलिए तीनों नट टाइट कर देते हैं। एक वाला टाइट हो गया, दूसरा वाला भी, टाइट हो गया, तीसरा वाला भी टाइट हो गया। अब देखते हैं चला के, और ऐसा आज संडे है, मेरा दुकान बंद है, तो इसलिए सोचा कि शायद मशीन के एडजस्टिंग कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ।
इसलिए आप जो भी करेंगे वीडियो एडिट नहीं करेंगे, आप लोगों के सामने ही करेंगे इसको एडजस्ट करने की। मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप लोगों के साथ होगा तो कैसे सॉल्व करना है वो भी जान लीजिए। ये याद रखिएगा कि नीचे वाला आगे आएगा तो डिलीवरी आगे आएगा, और नीचे वाला पीछे जाएगा तो डिलीवरी भी पीछे जाएगा। इसे याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। और दिक्कत तो आप समझ रहे होंगे, मैंने कई बार किया है, ये करने के बाद भी कितना टाइम लग रहा है। आज मेरा उंगली थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बड़ा है कि मतलब मोटा है, ठीक है, इधर जाता ही नहीं, अटक जाता है बीच में। आप देखिए ये वाला, ठीक है ना, जो लोग प्रिंट करते हैं तो समझ जाएंगे ये ग्रिपर एक्यूरेट आ गया है। ये वाला देखिए एक्यूरेट आ गया, सेंटर में क्रीज भी नहीं आ रहा है, इसलिए ग्रिपर से ठीक पकड़ रहा है। तो आपका फोर कलर जॉब और छोटा छोटा बाई कलर का जॉब अगर करते हैं तो ये एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो पहले वाला दिया था, क्रीज आया था पहले, ये देखिए, ठीक है ना, तो आप ऐसे ग्रिपर सेट कर सकते हैं। चला दीजिए सब, ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो वो स्पीड नहीं आएगा, ग्रिपर सेट से बचेगा। ठीक है ना, तो मास्टर भी है इसलिए आवाज कर रहा है थोड़ा ज़्यादा, मास्टर बटी। तो आप लोग ग्रिपर सेट कर लीजिएगा, ऐसे कि ग्रिपर को ठीक से पकड़िएगा, पेपर अंत तक आना चाहिए उस बीट का, ग्रिपर में ये जो बीट है इस बीट के अंत तक पेपर आना चाहिए, उसके बाद पेपर पकड़ना चाहिए। तो और कोई प्रॉब्लम होगा मेरी मशीन में अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं वीडियो बना के देते रहूँगा, और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, वो कमेंट में पूछिएगा, काइंडली मेरा नंबर मत पूछिएगा, इसलिए कमेंट में मैं नंबर नहीं दे सकता, अब आपको तो पता ही है कॉन्फिडेंशियल है नंबर। तो ठीक है, पूछिए, कोई बात नहीं, मशीन के बारे में जो कुछ भी पूछ सकते हैं पूछ लीजिए, मुझे पता हो तो मैं बता दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा एनर्जी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और जब देखते हैं व्यूअर नहीं आए, सब्सक्राइबर नहीं आए, तो समझते हैं ना, तो थैंक यू।
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बोल, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा छोटा ही है। बाय बोल। बाय। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है।